सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की मुश्किलें थमने का नाम ही नहीं ले रही। पत्नी हसीन जहां के आरोपों के बाद अब बीसीसीआई ने भी उन पर कार्यवाही करने का मन बना लिया है और इसी के तहत गुरुवार की शाम बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट ने भी शमी से 3 घंटे तक पूछताछ की। करप्शन यूनिट ने शमी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने तक के पूरे घटनाक्रम के बारे में पूछताछ की है। बीसीसीआई ने शमी पर उनकी पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर रोक लगा दी है। इसके अलावा वो आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेलेंगे या नहीं, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।